हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना मित्तल आज आपके लिए एक ही बहुत प्यारा सा बेबी स्वेटर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। वैसे ये डिज़ाइन ऐसा है कि आप इसको कितने भी बड़े स्वेटर में बना सकते हैं, यहाँ तक कि अगर आप जेंट्स स्वेटर तक चाहें वो भी इसका बना सकते हैं। ये मैंने डबल कलर में बनाया है। नीचे मैंने इसमें ये शेडेड वूल यूज़ किया है, ये पूरा मेरा शेडेड वूल है, और ऊपर मैंने इसमें इसी के कंट्रास्ट में ग्रीन कलर यूज़ किया है। तो ये मैंने एक साल के बच्चे के लिए बनाया है। तो यहाँ मैंने इसमें 65 फंदे डाले हैं और ऊपर यहाँ पर 76 फंदे किए हैं यहाँ। और फिर मैंने ये देखो, ये मैंने रीग्लेन घटाई का बना रही हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ ये मैंने इसकी 11 इंच की लेंथ होने पर इसमें मैंने ये वाला डिज़ाइन कन्वर्ट किया है। अब ये जो डिज़ाइन स्टार्ट करना है वो कैसे होगा, ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा बैक है, क्योंकि शेडेड वूल है, कहीं कैसा और कहीं कैसा आ रहा है। ये हमारी इसकी बैक रहेगी और ये हमारी इसकी स्लीव्स हैं। अब मैं इसकी स्लीव्स बना रही हूँ। तो स्लीव्स में देखिए, स्लीव्स में मैंने यहाँ पर 40 फंदे डाले हैं, 10 फंदे बढ़ाकर 50 फंदे किए हैं, और अब मैंने इसमें हर पांचवी सिलाई में एक एक फंदा बढ़ाया है। वही यहाँ पर मैंने इसकी 12 इंच की लेंथ मैं कर चुकी हूँ। अब हम इसमें ये वाला डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन कैसे स्टार्ट होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ मैंने इसमें 70 फंदे कर लिए हैं। इसमें पीस में 76 थे और स्लीव्स में मैंने 70 फंदे किए हैं। हमारी ये शेडेड वूल है, ये देखो इस तरह की है, कहीं से इस तरह है, ये कहीं पर्पल है, कहीं येलो, कहीं पर ये इस तरह येलो आ जाती है, इस तरह की वूल है। अब हम इसमें अपना ये डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। तो डिज़ाइन के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 6 फंदे हम शेडेड बुनते हैं, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। अब हम एक फंदा ग्रीन बुनेंगे और अब हम पूरी सिलाई एक फंदा ग्रीन और 9 फंदे शेड वाले, एक फंदा ग्रीन और 9 फंदे शेड वाले ऐसे बनाएंगे। ये देखिए मैंने 9 फंदे शेड वाले बना लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हम एक फंदा ग्रीन बनाएंगे, पूरी सिलाई हमें ऐसे ही बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम उल्टी सिलाई पर आ गए हैं। ये सिलाई हमारी सेम रहेगी, ग्रीन पर ग्रीन फंदा बनेगा और शेड पर शेड, कुछ भी चेंज नहीं होगा। शुरू में हमारे 2 फंदे हैं तो हम ये 2 फंदे शेड वाले, अभी हमें एक फंदा और बढ़ाना था क्योंकि अभी हमारे पूरे 70 नहीं हुए हैं, 68 थे, फंदा बढ़ा लिया है, तो ये हमारे 3 हो गए। एक ग्रीन है तो ये हम एक ही ग्रीन, और 9 फंदे हमारे शेडेड है, ये 9 फंदे हम शेडेड बनाएंगे। ये देखिए हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये अब हमने उस साइड एक फंदा बढ़ाया था तो यहाँ भी हम एक फंदा बढ़ा लेते हैं। आप जैसे बढ़ाते हैं ऐसे बढ़ा लीजिए। और अब हम अपने ये फंदे बना लेते हैं, ध्यान दीजिए, ये देखो ये। अब जो हमारा ग्रीन एक फंदा है, अब हम इसको 3 बनाएंगे, 1, 2, 3, इसकी साइड के फंदे भी ग्रीन बनाएंगे। ये वाला ग्रीन बनेगा, ये ग्रीन बनेगा और ये वाला ग्रीन बनेगा, 3। और ये जो हमारे 9 फंदे थे बीच में, 9 थे, ये 7 रह जाएंगे। अब हमारे ये शेड वाले 7 फंदे रह जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। फिर से 3 ग्रीन। अब हमारी पूरी सिलाई 3 ग्रीन और 7 शेड की रहेगी। ये देखिए ये हमारी सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई है। पहले हमने ये एक फंदा बनाया था, अब हमारे 3 हो गए हैं। उल्टी सिलाई हमारी अब फिर से सेम रहेगी, उल्टी सिलाई में हमें कभी भी कुछ भी चेंज नहीं करना है। इसी तरह ये देखिए पहले हमारा एक होएंगे, फिर ये ग्रीन 3, फिर 5,
फिर 7 और फिर ये 9 हो जाएंगे और ये वाले शेड वाले हमारे कम होते जाएंगे। ये फंदे ग्रीन बढ़ते जाएंगे और क्रीम शेड वाले कम होते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा इतना हो गया है। यहाँ पर देखो पहले 1 था, फिर 3 ग्रीन, फिर 5 ग्रीन, फिर 7 ग्रीन, फिर 9 ग्रीन। तो ये हमारा ऐसे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको दूसरा डिज़ाइन इसका ऊपर ये वाला, ये जो ऊपर बनाया है ये वाला डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। चलिए अब हम अपना ये वाला डिज़ाइन बनाते हैं। ये देखिए अब हम इसको अपोजिट करेंगे। ये जो हमारे ग्रीन फंदे हैं 9 ग्रीन फंदे, ये हमारे शेडेड वूल के बन जाएंगे। आप चाहें तो इसमें प्लेन कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये शुरू के मैं शेड वाले बना लेती हूँ। ये हमारा एक फंदा जो सेंटर में येलो है हर जगह नो के बाद, ये है, ये फंदा हमारा ग्रीन हो जाएगा और ये जो 9 फंदे ग्रीन है ये येलो हो जाएंगे, जो भी शेड का टर्न आ रहा है वो। अगर आपके पास शेडेड वूल नहीं है तो आप सिंपल रेड ब्लैक, रेड वाइट किसी में भी ये डिज़ाइन या ब्लैक एंड वाइट में बना सकते हैं। अब ये डिज़ाइन हमारा अपोजिट हो जाएगा, ये देखो, और ये जो येलो फंदा है ये हमारा ग्रीन होएगा। ये मैं पूरी सिलाई ऐसे ही बना लेती हूँ। ये जो हमारे ग्रीन है इनको येलो और जो येलो है इसको ग्रीन। ये देखिए ये सिलाई मैंने बना ली है। अब हम ऐसे उल्टी सिलाई पर आ गए हैं और उल्टी सिलाई हमारी बिल्कुल सेम रहेगी, 9 येलो 1 ग्रीन, 9 येलो 1 ग्रीन। ये देखिए ये हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम सीधी सिलाई पर आ गए हैं। अब हमें यहाँ पर ये दो सिलाई जैसे हमने कर ली है, अब हमें यहाँ पर मुड्ढे की घटाई करनी है। रीग्लेन घटाई के लिए हमें पता है ऐसे, यहाँ पर हम ऐसे इनको 2 का 1 बनाएंगे। हर बार सिलाई शुरू करते हो ये 2 का 1 बनाया। ये हमारा ग्रीन 1 फंदा है तो यहाँ हम इनको 3 बनाएंगे। 1, ये चीज़ ध्यान रखेंगे जब ये 3 होंगे हमारे, यहाँ जब ये हमारे 3 होंगे तो मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। ये देखो जब हमारे ये फंदे 3 हो गए थे तो हमें इसमें सेंटर का फंदा ये उल्टा बनाना है। हर जगह सेंटर में हमें ये बीच का फंदा उल्टा बनाना है और जब ये बुनाई कंप्लीट हो जाएगी ये वाला फंदा, फिर हमारे 4 सीधे 1 उल्टा होएगा। अभी हमारी ये 3 है तो ये सेंटर का फंदा हम उल्टा बनाएंगे। तो ये फंदा हमने ऐसे लिया और धागा आगे किया, ये वाला हमने उल्टा बुना, फिर धागा पीछे ले गए और ये फंदा ऐसे। अब हम 9 थे, 9 की जगह 7 फंदे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। अब फिर हम ऐसे ही करेंगे, ये वाला सीधा, धागा आगे करेंगे, ये उल्टा और ये पीछे। ये उल्टी सिलाई में ये हमारी पूरी सिलाई सेम उल्टी रहेगी। ऐसे ही हम बना लेते हैं। फिर से 7 फंदे हम ये शेड वाली वूल के बनाएंगे। ये हमने 7 बना लिए हैं। अब हम फिर 1 सीधा, ये वाला उल्टा और ये वाला सीधा, पूरी सिलाई हम ऐसे ही बना लेते हैं। ये देखिए ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम उल्टी सिलाई पर आ गए हैं। यहाँ पर हम फिर से ऐसे मुड्ढों के लिए यहाँ पर 2 का 1 घटाएंगे, चाहे उल्टी सिलाई हो चाहे सीधी, और बाकी सिलाई हमारी ये सेम रहेगी। ये शेड पर शेड का धागा चलेगा और ग्रीन पर तीनों ग्रीन रहेंगे। 1, 2, 3, फिर से 7 ये शेड वाले, फिर ग्रीन। ये हमारा इस तरह हो जाएगा, ये देखो ऐसे। अब हम फिर से यहाँ पर अपने मुड्ढों की घटाई करेंगे ऐसे, 2 का 1 हर बार बनाना है हमें। और यहाँ हम अपने फंदे ये ग्रीन 1, 1 ये वाला ग्रीन और 1 और ग्रीन ऐसे। अब हमारे ये जो 7 थे ये 5 रह जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये वाला ग्रीन बना लेंगे, ये भी ग्रीन रहेगा और ये
ये सेंटर वाला फंदा देखो, ये वाला, ये हमें हर बार उल्टा बनाना है। फिर धागा पीछे ले जाएंगे और यहाँ सी ऐसी दो। अब हम फिर से पांच फंदे शेड वाले बनाएंगे, एक दो तीन चार और एक पांच। ये फिर ऐसे ही बनाएंगे, एक दो, ये वाला उल्टा और ये वाले दो फिर से सीधे। इसी तरह से हम इन्हें फंदों को बढ़ाते जाएंगे, जैसा कि हमने इसमें किया है। ये देखो, पहले हमने एक ग्रीन किया, फिर तीन, फिर पाँच, फिर सात और फिर हमारे नौ ग्रीन और एक शेड वाला कलर आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पूरे फंदे ये ग्रीन हो जाएंगे और यहाँ पर हमें ये वाला फंदा भी हम उल्टा बनाएंगे, सबसे लास्ट का जो हमारा शेड वाला बचेगा। और इस तरह से हम चार ग्रीन एक सॉरी चार सीधे एक उल्टा, चार सीधे एक उल्टा, इस तरह से हम ये अपना पूरा शोल्डर बना लेंगे। ये देखो, अब हमारे पास इसमें ये मैंने यहाँ पर ये शोल्डर थोड़ा बड़ा बनता है तो ये मैंने 7 इंच का बनाया है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा ही सुंदर लगता है, तो ये 7 इंच का बनाया है। और यहाँ पर अब मेरे पास फंदे, यहाँ इधर मेरे पास 28 फंदे रह गए हैं, फ्रंट में भी और बैक में भी, दोनों में मेरे पास 28 फंदे रह गए हैं। और स्लीव्स में मेरे पास 24 फंदे रह जाएंगे। तो मैं अब चारों पीस इतने बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे ये चारों पीस कंप्लीट हो गए हैं ऐसे। और यहाँ पर हमने सॉरी मैंने ना पहले आपको यहाँ पर 7 इंच के मुड्ढे बनाए थे, बताए थे, बट ये 7 नहीं, हमें 6 इंच के मुड्ढे मैंने यहाँ पर बनाए हैं। और इसमें मैंने टर्न वाइज डाला है, सबसे पहले हम सिलाई में एक कोई सा भी पीस आगे या पीछे का डालेंगे, फिर एक बाजू डालेंगे, फिर एक पीस डालेंगे और फिर एक बाजू डालेंगे। इसमें हमने कोई गले की घटाई नहीं करनी है। अब हमारे पास इसमें और इसमें ये हमारे दोनों पीस हैं और इन दोनों में हमारे पास 28 फंदे हैं। और स्लीव्स में हमारे एक ये वाली है स्लीव्स और एक ये वाली, दोनों स्लीव्स में हमारे पास 24 फंदे हैं। 28 + 24 + 28 + 24, तो इस तरह हमारे पास ये 104 फंदे हैं, 104। बट हमें गला बनाने के लिए केवल 84 फंदे चाहिए, तो हम इसमें 20 फंदे घटा लेते हैं। पांच फंदे हम चारों पीसीज में से घटाएंगे। और ये पूरा हमने 11 नंबर की सिलाई पे बनाया है और अब हम इसका गला 12 नंबर की सिलाई पे बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पर इसमें ये सिंपल गला बनाएंगे, यहाँ हम गला बनाएंगे और पांच फंदे, पांच इसमें क्योंकि 20 फंदे घटाने हैं, पांच इसमें घटाएंगे और पांच इसमें, 20 फंदे घटा लेते हैं और दो उल्टे दो सीधे का सिंपल गला बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कर लेती हूँ, दो सीधे और दो उल्टे का गला बनाएंगे हम, क्योंकि नीचे का बॉर्डर भी हमारा ऐसा ही है। ये अब हम इसमें यहाँ एक फंदा घटा देते हैं ऐसे, और फिर एक दो ऐसे ही हम पूरा, और फिर हम फंदा घटाएंगे, दो फंदे हमारे घट गए हैं। इसी तरह से हमें पांच फंदे घटा लेने हैं। ये देखिए, हमने ये सिलाई बना ली है और ये हमारे पास अब 84 फंदे हो गए हैं। अब हम इसमें ये वाला 18 सिलाई का गला बनाएंगे, इसमें हमने कोई गला घटाया नहीं था, अब हम इसमें 18 सिलाई का गला बनाएंगे और अपने स्वेटर की स्टिचिंग कर लेंगे। बहुत सिंपल डिज़ाइन है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत सुंदर लगेगा।